पेपर लिखा रो। ईडी सीबीआई इनकम ने तड़प रही है रास्ता में घुसने के लिए, अच्छी बात है। पर एक एसीबी ने जो पकड़ा है आरपीएस के मेंबर, कलेक्टर को पकड़े हैं, एसपी को पकड़े हैं, तो ईडी को तो कहना चाहिए अपने बॉसेस को, भाई क्यों राजस्थानों में भेज रहे हो। वहाँ की एंटी क्राइम ब्यूरो इतनी मजबूत है कि जिसका कोई जवाब नहीं देश के अंदर, जवाब देश भर के अंदर सबसे ज्यादा काम किया है, माकूल काम किया है, मजबूती से छापे डाले हैं, ट्रैप किया है, तो राजस्थान की एसीबी ने किया है, इतना शानदार काम किया। तो जहाँ एसीबी अच्छा काम करे वहाँ क्यों बिना मतलब का आप इंटरव्यू करते हो, क्यों करते हो? अब आपने पहले पेपर लीक हुए थे उसमें ईडी भेज दी थी, कुछ हुआ क्या अभी तक? ईडी काम कर रही है उसमें भी, पेपर लीक में भी, क्यों बिना मतलब हस्तक्षेप करते हो? ईडी बड़ा बड़ा स्ट्रांग कानून है, उसकी क्रेडिबिलिटी हम तो अपेक्षा करते हैं, देश में हाईएस्ट होनी चाहिए। ईडी की, इनकम टैक्स की और सीबीआई की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट रहे, ये मेरी दुआएं हैं उनके साथ में। मैं प्रार्थना करता हूं, उन सब रिक्वेस्ट करता हूं अधिकारियों से भी, अनावश्यक जो है ऊपर के दबाव से आप दबाव आना बंद कर दो। वक्त आ गया है, देखिए सुन लीजिए आप लोग, कान खोल कर सब लोग जो सुन रहे मुझे, वक्त आ गया है। अगर ये ऊपर से दबाव देते हैं जो उनका अधिकार नहीं है, अधिकार है जो FIR दर्ज करता थानेदार का, उसी का अधिकार होता है। उसी प्रकार से जो ईडी है, इनकम टैक्स सीबीआई है, जो सिस्टम बना हुआ कानून के अंतर्गत, उसके अकॉर्डिंग टू कार्रवाई करो, छापे डालो, अरेस्ट करो, जेलों में डाल दो, हमें खुशी होगी, हम स्वागत करेंगे उनका। पर आप राजनीतिक बदले की भावना से चुनाव जीतने के लिए, माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए अगर आप इस प्रकार की हरकतें करते हो, ऊपर से आदेश देते हो, फिर मॉनिटरिंग भी करते हो, क्या हुआ उसका, कहाँ तक पहुंचे हो? कि लोकेश शर्मा हमारा OED क्या गलती करी, हाईकोर्ट में हमारा रोज पेशी में जाना पड़ता है, केस बना दिया, कोई सबूत नहीं, कोई बात नहीं, और उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये जो जिस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ किसी भी रूप में देश हित में नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। और जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं, कर्नाटक में आ गए तो ईडी घुस गई, इनकम टैक्स घुस गई, रास्ते में उम्मीद कर ही रहे थे, हम तो इंतजार कर रहे थे, जो माहौल बन गया है उसमें इंतजार कर रहे थे, लोग कह रहे थे साहब ईडी वाले पहुंच गए हैं, बैठ गए हैं, उनको लिस्ट दे दी गई है, और लिस्ट दे करके उनको कहा गया कि आप जो है देखो इसमें कहाँ कहाँ पहुंच सकते हो, किसी की पोल थोड़ी बहुत मिल सकती है। छोटी मोटी गलती हर व्यापारी, हर उद्योगपति, हर व्यक्ति से नहीं चाहते हुए भी जो सिस्टम है सरकार का, प्रक्रिया है, उसके अंदर छोटी मोटी कमी रहती है, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाए जाते हैं तो वो उनको गाइड कर दें। अब उसके अंदर आप ईडी घुसा दो, अब बताइए इनको, जब आप हमने खुद ने ईडी का ACB का जो RPSC का जो मेंबर पकड़ा गया है, एक भावना ये आई थी कि भाई इसको इस्तीफा ले लो उसके बाद पकड़ो, मैं कहा नहीं, RPSC मेंबर रहते हो पकड़ो, मैसेज आना चाहिए कि बेईमानी कर रहा है। RPSC मेंबर बेईमानी हिम्मत कैसे कर ली, इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारी खुद की सोच है, उसके अंदर इस प्रकार की हरकतें करना, अब ईडी के छापे डलवा दीजिए।